यहाँ अभी स्टार्टिंग पॉइंट पे लाइनअप। नशा मुक्त बिहार, स्वस्थ बिहार, बढ़ता बिहार बनाने को लेकर जिला प्रशासन भागलपुर की ओर से हुआ जागरूकता दौड़ कार्यक्रम का आयोजन। हजारों युवाओं ने जागरूकता दौड़ में लिया हिस्सा। जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम का किया विधिवत उद्घाटन। भागलपुर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से भागलपुर में नशा मुक्ति को लेकर जागरूकता दौड़ का भव्य आयोजन किया गया। सैंडिस कंपाउंड मैदान में जिलाधिकारी सुब्रत सेन, SSP बाबूराम समेत अन्य अधिकारियों ने सामूहिक रूप से गुब्बारा उड़ाकर एवं हरी झंडी दिखाकर दौड़ का शुभारंभ किया। किलकारी के बच्चों ने नशा मुक्ति को लेकर नृत्य, गीत और नाटक की प्रस्तुति के माध्यम से लोगों को जागरूक किया। दौड़ में 1000 से अधिक महिला, बालिका, पुरुष एवं युवा प्रतिभागी शामिल हुए, जिसमें से 16 वर्ष की कम उम्र से बालक, बालिका एवं 16 वर्ष से अधिक पुरुष एवं महिला प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। महिलाओं के लिए 3 किलोमीटर, साथ ही पुरुषों के लिए 5 किलोमीटर दौड़ आयोजित की गई थी। सैंडिस से कचहरी चौक, घंटाघर, आदमपुर, मनाली, तिलकामांझी से पुनः सैंडिस कंपाउंड तक रूट निर्धारित की गई थी। इस दौरान C8 कमांडो, जिला पुलिस बल, महिला पुलिस बल और दंगा नियंत्रण बल की जगह तैनाती की गई थी। वहीं विजेताओं के लिए कुल 68,000 रुपये पुरस्कार राशि रखी गई थी। जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा कि इस नशा मुक्ति जागरूकता अभियान में पूरा उत्सव का माहौल है। मुख्यमंत्री की नशा मुक्त अभियान योजना को सफल बनाने के लिए हम लोगों का इसमें भरपूर योगदान जरूरी है। हमें खुशी है कि ज़्यादातर युवा प्रतिभागी ही इसमें हिस्सा लिए हैं। इस नशा मुक्त जागरूकता कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबों को धन्यवाद भी देते हुए दिखे जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन। BNP न्यूज़ के लिए भागलपुर से अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। इसको लेकर किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं और क्या कहेंगे सर नशा मुक्ति को लेकर? पुलिस लगातार इस पर कार्रवाई भी कर रही है। देखिए, शराबबंदी और नशा मुक्ति को सफल बनाने के लिए लोगों में जागरूकता होना बहुत ज़रूरी है, और जागरूकता एक ऐसी चीज़ है जिसको कुछ कुछ इंटरवल के बाद, कुछ कुछ समय के बाद में फिर से याद दिलाना पड़ता है, उस पर लोगों का ध्यान आकर्षित करना पड़ता है। लोगों के साथ साथ हमारे जो पुलिस बल इस काम में लगे हुए हैं उनको भी सेंसिटाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। इसी उद्देश्य से आज का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और काफ़ी संख्या में यहाँ प्रतिभागी लोग और दर्शक लोग इकट्ठा हुए हैं, और जो रूट है रूट पर पूरी तरह से सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। सभी महत्वपूर्ण जगहों पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है, और इस अवसर पर मैं जिला के तमाम वासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि अपने आसपास नशा का सेवन ना होने दें, नशे की बिक्री ना होने दें, इसके संबंध में एक सामाजिक माहौल तैयार करें। और जो अगर कोई व्यक्ति इस कानून का उल्लंघन करके नशे की बिक्री करता है, नशे का सेवन करता है, तो उसके संबंध में पटना में जो नियंत्रण कक्ष है वहाँ पर सूचना दे सकते हैं, जिला के तमाम वरीय पदाधिकारियों को सूचना दे सकते हैं, इस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी, जनता का सहयोग अपेक्षित है। धन्यवाद। 5,000 जो है वो फर्स्ट प्राइज़ है, सांत्वना प्राइज भी 1,000 का है, उसी तरह से सेकेंड थर्ड प्राइज़ भी है, तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन है और उत्सव का माहौल है। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो नशा मुक्ति अभियान शुरू किया है, शराबबंदी उसका एक पार्ट है, उसी कड़ी में कई जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो आज भागलपुर ज़िले में हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादातर युवा ही पार्टिसिपेंट हैं, और ये हम लोगों की अपेक्षा है कि इस संबंध में और जागरूकता फैलेगी, और किसी भी प्रकार का नशा का सेवन अगर कोई करता है आज की तिथि में भी, तो वो उसके लिए, उसके परिवार के लिए, सबके लिए खतरनाक है। तो ये जागरूकता कार्यक्रम इसी के लिए आयोजित है, और यहाँ जो बिल्कुल उत्साह का माहौल है, DDC साहब, उनकी पूरी टीम, जिला खेल पदाधिकारी, बहुत सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, पुलिस के बहुत सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं, तो इसके सफल आयोजन के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ।